हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए, जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाला है सोशल साइंस प्लस साइंस का, जिसमें आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 20 क्वेश्चन सही करने का, यानी कि 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और जो भी एप्लीकेशन पर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ सारा चीज टू द पॉइंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। फ्रेंड, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को बताते हैं, जो क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लेते हैं या लिख देते कहीं पर, वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हर क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो सके। तो चलिए आपसे बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के राइट आंसर क्या होगा, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। फ्रेंड, देखिए, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश जो था फ्रेंड, वो था पुर्तगाल। ऑप्शन में सी राइट आंसर आएंगे। इससे संबंधित एक दो प्रश्न पूछ जाते हैं। गोवा को पुर्तगालियों ने मुक्त कब किया था, तो यह किया था 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। और इस पर अधिकार कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था। गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उसको हरा के 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। और एक दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली कौन आए थे, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे, और पहली बार इसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज भी की थी। तो याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछ जाते अक्सर। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। फ्रेंड, ए राइट आंसर है पांडुचेरी। फिर पांडुचेरी जो थी वो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अब वर्तमान में पांडुचेरी जो फ्रेंड वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन थ्री के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आपको बताएंगे प्रैक्टिस सेट में। चलिए कोशिश कीजिए आपसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, आप सबको बताओगे सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे, ज्योतिबा फुले थे, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। इसने 1873 में इसकी स्थापना कहां पे की थी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं था। बेगम हजरत महल स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, कुबेर सिंह भी हैं, मौलवी अहमदुल्ला ये भी संबंधित है, जबकि उद्धम सिंह संबंधित नहीं है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड उद्धम सिंह जो थे ये गदर पार्टी से संबंधित भारतीय क्रांतिकारी थे, और इसे शहीद ए आजम सरदार उद्धम सिंह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपसे भी, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन फाइव के लिए राइट आंसर बताएंगे, आपसी को बताऊंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। जी बिल्कुल, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी, 1 मई 1897 को, 1 मई 1857 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए, रामकृष्ण मिशन जो फ्रेंड ये हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। डी राइट आंसर है, रॉयल एक्ट अधिनियम व्यवस्थापन, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग से पहले यह घटित हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अशोक आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। फ्रेंड, 1893 ईस्वी में लिया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। कब लिया था, 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ। तो फ्रेंड, आप सबको बताऊंगे सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, मेरठ से। कब, 10 मई को, 10 मई 1857 से
सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी और ये दिल्ली तक फैला था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 1857 के विद्रोह और सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था फ्रेंड? विद्रोही के बीच अनुशासन का अभाव, आधुनिक हथियार की कमी, विद्रोही और संघ के बीच समन्वय की कमी, ये सभी क्या था वो 1857 की विफलता का मुख्य कारण था। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था फ्रेंड? 8 अगस्त 1942 को। फिर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी में एक नारा दिया, करो मरो का नारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा। फिर बुलंद दरवाजा जो है ये दिल्ली में नहीं स्थित है, जबकि ये आगरा के फतेहपुर सिकरी में है। ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि सबसे ऊंचा दरवाजा है विश्व का। बुलंद दरवाजा किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने, याद रखिएगा आप सभी। राजपथ, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सभी कहाँ पे हैं? वो दिल्ली में है। आगरा में भी लाल किला है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली की लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना, ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सिंधु सभ्यता के शोधकर्ता जो थे फ्रेंड वो जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिलता है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिलता है फ्रेंड? तो यह मिलता है कालीबंगन से, ए राइट आंसर है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई जो राणा प्रताप और अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई थी फ्रेंड हल्दीघाटी का लड़ाई। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, हल्दीघाटी का युद्ध था और ये युद्ध 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोदगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था फ्रेंड? तो यह पाया गया है लोथल में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात में है। लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा। तो यह कहा जाता है शाहजहां को, ए राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड शाहजहां जो है यह जहांगीर का पुत्र था और इसका बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल जो स्थित है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में स्थित है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी पूरा पाषाण युग कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, पूरा पाषाण युग कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रणाली का परिचय किस मुगल सम्राट ने किया था? तो देखिए फ्रेंड मनसबदारी प्रणाली का जो परिचय किया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी प्रणाली। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मुगल साम्राज्य का सबसे महानतम शासक माना जाता है अकबर को और सबसे क्रूर शासक जो माना जाता है वो औरंगजेब को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो यह बनाई गई है शर्म का व्यावसायिक विभाजन के लिए। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, शर्म का व्यावसायिक विभाजन के लिए भारत की जाति व्यवस्था बनाई गई है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड? चलिए आपसे भी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपसे को बिल्कुल बताऊंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी बिल्कुल, किसने किया था? कुबेर सिंह ने किया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मोरको यात्री था जो 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था? तो ये यात्री था इब्न बतूता। फ्रेंड इब्न बतूता जो है ये मोरको की यात्री थी, मोरको की रहने वाली थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए हुए थे और ये आए थे 1334 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहयान डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया? बी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहयान भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? तो इसे अलवर कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को अलवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? तो चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में जो सही है ऑप्शन में ए तीन गठिया प्रणाली के अंतर्गत नीली खेती का विषय था। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। तीन गठिया जो फिर ये नीली खेती से संबंधित है, जो कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, ये कृषि से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भविष्य में आने वाला बुद्ध है? बी राइट आंसर हो जाएंगे, मैत्रेय। मैत्रेय जो फ्रेंड ये भविष्य में आने वाला बुद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। मैत्रेय का मतलब जो होता है वो भविष्य का बुद्ध होता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संहिता का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल वन में हुआ था, याद रखिए कुंडल ग्राम में। और इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो चुके थे, एक हीनयान और एक महायान धर्म में। अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के परिस्थान को जाना जाता है? तो इसे महाभी निष्कर्मण कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जब सिद्धार्थ जो है कि घर को त्याग कर सत्य की खोज करने के लिए निकला और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बौद्ध धर्म में इसे महाभी निष्कर्मण कहा गया था। और प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ तो उसके बाद बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि वाराणसी में पढ़ते हैं, और महापरिनिर्वाण जो हुआ था, मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है मिंटो मैरले सुधार 1919 के द्वारा। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो यह क्या था? राजकुमार शुल्क ने। फ्रेंड राजकुमार शुल्क ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है, जिसे तीन गठिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के